जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक काफ़ी बेहतरीन वीडियोस लेके। अगर आप एक फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट मात्र 25,000 है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस सेगमेंट के यानी 25,000 के सबसे बेहतरीन फ़ोन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और कोई फीचर से समझौता आपको किसी फ़ोन में नहीं करना होगा और सभी फ़ोन में आपको धमाकेदार कैमरा क्वालिटी मिलने वाले हैं, एक तगड़ा प्रोसेसर और उसी के साथ एक पावरफुल मैसिव बैटरी आपको सभी फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स आज मैं आपके लिए पिक करके लाया हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लिस्ट में सबसे नंबर वन पर फ़ोन आता है वो है OnePlus Note C2 5G और इसका प्राइस है मात्र 24,999। आइए बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ धमाकेदार फीचर्स की। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि सभी फ़ोन्स आपको 25,000 के अंदर मिलने जा रहे हैं और 25,000 के सबसे बेहतरीन फ़ोन्स आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और कोई फीचर्स की कमी आपको किसी फ़ोन में दिखाई नहीं देगी। सभी फ़ोन्स में आपको एक ज़बरदस्त कैमरा मिलेगा और उसी के साथ एक तगड़ा प्रोसेसर और एक पावरफुल मैसिव बैटरी बैकअप आपको सभी फ़ोन्स में मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ धमाकेदार फीचर्स की। जैसा कि आप जानते होंगे कि OnePlus हमेशा से अपने यूजर्स के लिए एक पावरफुल फ़ोन लॉन्च करते आया है, इसीलिए लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं और इसीलिए इसका इतना बड़ा यूजर बेस है इंडिया में। इसीलिए आपको मेरे लिस्ट में भी सबसे नंबर वन पे OnePlus का ही फ़ोन दिखाई दे रहा है। दो बेहतरीन कलर वेरिएंट में अवेलेबल है दोस्तों ये फ़ोन और काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी आपको इसमें मिल रही है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसी के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन की आपको देखने को मिलेगी। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फ़ोन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं OnePlus Note C2 5G, काफ़ी धमाकेदार फ़ोन है दोस्तों और देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। प्रीमियम लुक वाला फ़ोन, स्टाइलिश लुकिंग फ़ोन, प्रीमियम डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आता है। 45 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में मिलती है जो कि इस फ़ोन को काफ़ी पावर प्रोवाइड करती है और एक पावरफुल फ़ोन बनाने में काफ़ी सहयोग करती है। और 65 W के सुपर वॉक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये फ़ोन आता है। फुल डे का चार्ज आप मात्र 15 मिनट में कर लीजिएगा, बैटरी आपका मात्र 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। 6.43 inches का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। और अगर आप गेमिंग के हिसाब से ये फ़ोन बाई करते हैं, अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग है तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है क्योंकि इसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, काफ़ी तगड़ा नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिलता है और काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है दोस्तों। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रहा है 11 वर्जन 5G सपोर्ट के साथ आता है। ट्रूली 5G कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है, ट्रूली 5G एक्सपीरियंस आपको ये फ़ोन देने वाला है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ट्रूली 5G कनेक्टिविटी क्या होती है। कुछ इसके खास फीचर्स आप अभी देख लीजिए स्क्रीन पे। तो आइए बात करते हैं अपने अगले फ़ोन की जो है Redmi K50i 5G और इसका प्राइस है मात्र 23,999 और काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन अभी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा था ट्रूली 5G एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आप कभी 5G फ़ोन लेने जाएं तो आप हमेशा ये अपने जहन में बैठा लें और ये बात हमेशा आप देख के एक 5G फ़ोन लें कि उसमें आपको लगभग 11 से 12 बैंड की 5G सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और अगर उसमें 11 से 12 5G बैंड सपोर्ट नहीं है तो आपको ट्रूली 5G एक्सपीरियंस नहीं देगा, ट्रूली 5G कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलने वाली है और ट्रूली 5G एक्सपीरियंस का आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। 6.6 inches का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिल रहा है। तो जैसा मैं बात कर रहा था ट्रूली 5G एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में आप हमेशा ध्यान रखें। आप पैसे खर्च कर रहे हैं और आपको एक बेहतरीन फ़ोन ना मिले तो आपको पछतावा होगा। और 25,000 का जो बजट रेंज है दोस्तों, एक मिड बजट रेंज है और इस रेंज के काफ़ी बेहतरीन फ़ोन आपको देखने को आज मिल रहे हैं मेरे वीडियो के थ्रू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और इसी तरह का पावरफुल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम हमेशा बनाते रहें। और हमारे वीडियो का मकसद यही रहता है कि आप एक अच्छा फ़ोन खरीद सकें हमारे वीडियो के थ्रू जिसे आप लंबे समय तक यूज करें। इस फ़ोन में आपको 8 GB रैम मिल रहा है, माफ़ कीजिएगा 6 GB रैम मिल रहा है और उसी के साथ 128 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये फ़ोन आता है। 64 MP का वो प्राइमरी कैमरा इस फ़ोन में मिलता है। काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी के साथ ये फ़ोन आती है।
डुअल कैमरा सेटअप आपको इस फ़ोन में मिलता है, एआई नॉइज़ रिडक्शन भी इस फ़ोन में आपको मिलता है। और अगर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, फ़ायदेमंद सौदा आपको ये फ़ोन देने वाला है। 25,000 के बजट रेंज में आपको ये फ़ोन मिल रहा है। 5G का 12 बैंड सपोर्ट आपको इसमें मिल रहा है दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें, आप जब भी 5G फ़ोन लें तो आप कम से कम उसमें 11 से 12 5G बैंड का सपोर्ट आपको उसमें ज़रूरत होगा, तभी आपको ट्रूली 5G एक्सपीरियंस मिल पाएगा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। आइए बात करते हैं अपने अगले फ़ोन की, जो है रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G, मात्र 23,979 इसका प्राइस है, और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन, दो कलर वेरियंट में अवेलेबल है। अगर वहीं बात की जाए डिस्प्ले साइज़ की, तो 6.4 इंच का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन, फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आता है। अगर बात की जाए इस फ़ोन के कैमरा क्वालिटी की, तो आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इस फ़ोन में मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसी के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलता है। अगर बैटरी की बात की जाए, तो 5000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इसमें मिलती है, 8GB रैम के साथ ये फ़ोन आता है, और 256GB जिसे आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज को, 128GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल रहा है। अगर बात की जाए इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर MediaTek Dimensity का आपको इसमें मिल रहा है, 9920 का 5G गेमिंग प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है। कुछ इसके स्पेशल फीचर्स आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। अगर आप ये फ़ोन बाय करते हैं, तो उस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आइए बात करते हैं। Redmi Note 11 Pro Plus 5G हमारा अगला फ़ोन, मात्र 19,999 इसका प्राइस है दोस्तों। आप 25,000 रुपये लगभग खर्च कर रहे हैं एक फ़ोन लेने के लिए, और आपको एक बेहतरीन फ़ोन ना मिले इस बजट रेंज का, तो आपको जीवन भर पछतावा रहेगा। तो जो मैं नहीं चाहता, हमारा ये दायित्व तो बनता है, और हम इसीलिए आपके सामने वीडियो लाते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि आप एक अच्छा फ़ोन खरीद सके सभी बजट रेंज का, आपको किसी भी कोई परेशानी ना हो किसी भी फ़ोन लेने में, और आपको सभी फ़ोन्स में लेग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, तो सभी फ़ोन्स में आपको पावरफुल परफॉर्मेंस मिलने वाला है। और दोस्तों अगर बात की जाए फ़ोन लेने की, फ़ोन बाइंग, अगर किसी तरह की कोई आपको अगर कोई बात होती है फ़ोन लेने से पहले, तो तीन तरह का उसमें मेन रिक्वायरमेंट होता है। पहला कैमरा क्वालिटी, दूसरा प्रोसेसर, और तीसरा एक मैसिव बैटरी। तो आपको तीनों फ़ोन्स में कोई भी फीचर्स की कमी और इस तीनों रिक्वायरमेंट से कोई भी समझौता नहीं करना होगा। अगर इस फ़ोन की बात की जाए, तो आपको कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी मिल रही है। 16 MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 695 का 5G ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है, काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और सभी का परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी लाजवाब है, स्मूथ परफॉर्मेंस आपको सभी में देखने को मिल रहा है, पावरफुल परफॉर्मेंस। और सभी के आप रेटिंग भी देख सकते हैं, सभी में आपको काफ़ी अच्छी रेटिंग देखने को मिलेंगे, सभी ज़बरदस्त फ़ोन है दोस्तों। Redmi Note 11 Pro Plus 5G जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, MIUI का वर्जन 13 आपको इसमें मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, इसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दो रैम वेरिएंट में अवेलेबल है इस फ़ोन में, आपको 6GB रैम मिल रहा है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, और इस फ़ोन में आपको काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है, और एक पावरफुल मैसिव बैटरी, और उसी के साथ एक तगड़ा प्रोसेसर आपको सभी फ़ोन्स में मिल रहे हैं। कुछ इसके खास फीचर्स आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए तो बात कर लेते हैं अपने अगले फ़ोन की, जो है MI 10T स्मार्टफोन, मात्र 24,999 इसका प्राइस है, काफ़ी प्रीमियम लुकिंग फ़ोन, स्टाइलिश लुकिंग आपको इसमें मिलने जा रहा है, लाइट वेट फ़ोन है दोस्तों, दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर बात की जाए इस फ़ोन के कुछ और भी धमाकेदार फीचर्स की, तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 6GB रैम आपको इस फ़ोन में मिलता है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज जैसा कि आप देख सकते हैं, डुअल सिम का सपोर्ट आपको इसमें मिल रहा है, 6.67 इंचेस का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले, फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले आपको इसमें मिल रहा है, पिक्सल रेजोल्यूशन इस फ़ोन का काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों,
एस्पेक्ट रेशियो भी इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा। फुल स्क्रीन डॉट डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलता है, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन बनाता है। एक ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। 8K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको इसमें मिलता है, यानी काफ़ी बेहतरीन फीचर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इस फ़ोन के। 4 प्रीमियम फिल्टर्स के साथ ये फ़ोन आता है। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलता है दोस्तों। अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉयड वर्जन 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें मिल रहा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। 5000 mAh की एक पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में मिलती है दोस्तों। स्टैंड बाई टाइम 535 घंटे का आपको इसमें मिल रहा है। 33 वाट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ ये फ़ोन आता है। टाइप सी का कनेक्टिविटी भी आपको इस फ़ोन में मिलता है। अगर आप ये फ़ोन बाई करते हैं तो उस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। सभी फ़ोन अमेजोन पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई फ़ोन पसंद आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं।